अमेरिका में जाना है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं एग्जाम डे में कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आज है 3 तारीख और 5 तारीख मेरा इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का मैंने और मेरा साइंस का पेपर था वो 1 तारीख को था, उसका एक भी पेपर नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं पूरे टाइम रिविजन करूँगी इंग्लिश का। फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश के जस्ट बाद कंप्यूटर का पेपर है, और अब मैंने सोचा लगा कि चलो कंप्यूटर का भी पढ़ ही लेते हैं। तो आज 1 और 2 तारीख को 1 और 2 तारीख को मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा इंग्लिश का सिलेबस मेरा, ठीक है। और मैंने कल थोड़ा एक चैप्टर का नोट्स बनाए थे, और आज भी मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी। उसके बाद कल 4 तारीख को, क्योंकि मैं पूरा रिविजन करूँगी इंग्लिश का, और उसके बाद बस एग्ज़ाम डे होगा। फिर तो एग्ज़ाम डे के दिन मुझे कंप्यूटर पढ़ना होगा। तो मैं अभी अपना रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रूम में बहुत सारे कपड़े थे, मैं अपना वार्डरोब साफ किया था, तो मैंने सोचा कि चलो क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी ना कपड़े धो रहे थे। और कभी कभी होता है ना संडे के टाइम में मेरे ज़्यादा कपड़े धोने होते हैं, तो मैं ज़्यादा कपड़े धो रहे थे, और सारे कपड़े मेरे रूम में रख दिए, तो उसके लिए मेरे को वार्डरोब साफ करना पड़ गया। अब मैं अपने रूम में अभी झाड़ू मार रही हूँ, कि क्योंकि मेरे रूम में तो मेरे को खुद साफ करना चाहता है। तो चलो अभी हम अपना रूम पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। सो गाइस, मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, ऊपर वाला भी क्लीन है, नीचे वाला भी क्लीन है। और अपने पास मैंने एक वाटर बॉटल रखा है कि मेरे कुछ, और मैंने रूम का गेट भी बंद कर लिया है, और क्योंकि एग्ज़ाम टाइम्स है तो एक चीज़ होती है कि हमें अपना रूम पूरा क्लीन रह कर रखना चाहिए, क्योंकि ना जैसे अगर मेरे को ऐसे पे क्लीन करना अच्छा लगता है रूम, और अगर यहाँ पे जैसे कपड़े का भंडार होता है, यहाँ पे कपड़े होते हैं, यहाँ पे कपड़े होते, बेडशीट बिखरी हुई होती, तो मैं सोचती थी पहले सोचती कि मैं ना पहले एक यहाँ से एक कपड़ा डालती और यहाँ पे बैठ के उन्हें टाई बना के रखती, और इससे बहुत डिस्टर्बेशन भी होता, ठीक है। तो अभी मैंने अपना पूरा रूम क्लीन कर लिया है, गेट भी बंद कर लिया है, और अब मैं अपना पढ़ूँगी। मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी, क्योंकि मैं कंप्यूटर में 5 चैप्टर आ रहे हैं, छुट्टी नहीं है, तो अब उसे भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी बुक रखूँगी कंप्यूटर की, उसके बाद अपना कॉपी, अब और मैं रखूँगी अपनी रफ कॉपी, जिसमें मैं अपने नोट्स बनाऊँगी। जैसे अभी दिखाती हूँ, ये मेरे कंप्यूटर के 1 चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है, जो मेन पार्ट है। और मैंने जब ये नोट्स बनाए, उसके बाद जब मैंने अपने क्वेश्चन से सॉल्व करने का ट्राई किया, तो मेरे को सारे क्वेश्चन आते रहते थे, ठीक है। तो एक नोट्स के तो एक बुझ बात है, ठीक है। और अपनी अपना ये एक किट, और बस, और मैं अपनी एक स्टूल ले आती हूँ जिसको मैं रख के पढ़ सकूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना कॉपी से पढ़ूँगी पहले, ठीक है। कॉपी से पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी नोट्स पढ़ूँगी, जिससे मेरे को रिवाइज होते रहे, ठीक है। और जिस दिन मेरा पेपर होगा ना, पेपर से एक दिन पहले जो पेपर मेरे को नहीं हुआ पहले, तो मैं उन्हें पढ़ूंगी, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे ना मैं अपने नोट्स को दूंगी, 2 चैप्टर के नोट्स को, 1 चैप्टर के नोट्स को 1/2 घंटा दूंगी, जिसमें मैं जितने बार रिवाइज कर सकती हूँ ना नोट्स को, उतनी बार करूँगी। अब पढ़ ही लेते हैं आप। अभी मैंने नोट्स बना लिए, अब मैं चैप्टर कॉपी से याद करूँगी, जो मैंने फिल कर रखा है सब याद करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 2 चैप्टर के नोट्स बनाऊँगी, ऐसे ही मैं रिपीट करते रहूँगी। तो अभी पहले हम उतना पढ़ लेते हैं। मैंने अभी अपना एक पर स्टूल ले लिया है, और पिल्लों से दूर होकर आई हूँ, क्योंकि ऐसे लेट के पढ़ने में ना बहुत आलस रहेगा आपको। और मैंने इतना रूम साफ़ किया, इतना वो किया, क्योंकि मैं लेट के पढ़ने के लिए सकता कुछ नहीं किया, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो अभी मैं पूरा का पूरा रूम मैंने साफ कर रखा है, तो मैं नॉर्मल बैठूँगी अब। और चलो अब अपने चैप्टर याद कर लेती हूँ। चलो मैं आपको टिप देती हूँ कि आप लॉन्ग आंसर्स कैसे याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप, मैंने लॉन्ग आंसर्स आप याद करने के लिए सबसे पहले उन आंसर्स को पढ़े 2-3 बार। अब ट्राई करो क्या आप उसे नोट्स में भी शामिल कर रहे हो। मैंने जैसे मैंने इस आंसर को ना अपने नोट्स में भी बना रखा था खुद के वर्ड्स में, लेकिन पहले उस आंसर को पढ़ो फिर लिखो। जो जो पार्ट का अंडरलाइन नहीं होता ना, जैसे थोड़ा सा पार्ट आपको गलत हो गया, तो उससे या तो आप हाईलाइट कर सकते हो। देखो, ये पहला आपके पास मौका हो सकता है, या तो हाईलाइट कर दो आप, और अगर कुछ कुछ आपको छूट गया तो आप उसे दूसरे कलर के पेंसिल से लिख सकते हो। इसी टिप को फॉलो करके मतलब आपको बड़े बड़े आंसर से याद हो सकते हैं। 4-5 बार मैं सबको लिखना होगा, ठीक है, और आपको लिखना पसंद है तो। या तो आप खुद के वर्ड्स में भी ऐसे लिख सकते हो, मार्क्स उसमें भी मिल सकते हैं अगर आपने बड़ा लिखा हो तो।
तो अब मैंने अभी 45 मिनट्स का टाइमर लगाया है, जब वो टाइमर बंद होगा तब मैं दूसरा कुछ थोड़ा 2 मिनट का थोड़ा अपना टाइम ब्रेक लूँगी, अपने माइंड को मेडिटेट करूँगी, फिर तो मैं दोबारा दूसरा अपना स्टार्ट करूँगी। अब पढ़ ही लेते चलो। अब मेरा अच्छा लगता है, देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा से ये जो आपको पार्ट दिख रहा है एग्जाम्पल्स का, ये ऐड किया था ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करी थी जिन्हें मैंने रेपल से लिख दिया, और ऐसा कोई भी वर्ड था जो मैंने एक्स्ट्रा से ऐड किया हो ठीक है। मैंने यहाँ से चेक किया कि हाँ वही मैंने वही करा है नहीं करा ठीक है। अब ये पूरा हो चुका है मेरा, ये वाला आंसर मैंने दोबारा लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है एडिटिंग अ फाइल मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट कंटेन इन द फाइल इन अ फाइल एडिटिंग अ फाइल मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट कंटेन इन द टेक्स्ट कंटेंट इन द फाइल। अब ये पूरा आंसर सही है, तो एज मेरे को हाईलाइटिंग अच्छा लगता है तो मैं इस पूरा आंसर को हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मेरा पूरा आंसर मैंने सही किया है इस बार। तो आप भी टिप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कोई भी आपको यहाँ पे इस नंबर को भी मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, या फिर आप इसके नीचे कोई अलग पेन से, जैसे ये हो गया ना अलग पेन से आप दो दो लाइन खींच सकते हो कि आपको हाँ यहाँ से याद हो चुका है, या बुक में भी टिक लगा सकते हो ठीक है। अब मैंने बुक में से टिक लगा रखा था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि याद है ठीक है। तो अब दोबारा पढ़ना चालू करते हैं, मैं कुछ ना कुछ टिप्स दे ही रही हूँ बीच बीच में आपको अपने पढ़ते समय। तो गाइस अभी थोड़ी देर ही बीता था तो मम्मी मेरे लिए वेरी गुड बिस्किट ला के दे दिया मेरे खाने के लिए, और मैं उसे खा के फिर से अपना रिविजन स्टार्ट करूँगी, रिविजन करना पड़ेगा। और अभी तक मतलब मज़ा होता था रिविजन करने में, पहली बार याद करने में इतना नहीं आता, मेरे को याद करना बिल्कुल नहीं आता, मैं इसलिए लिख लिख के याद कर लेती हूँ लेकिन, क्योंकि उसमें टाइम भी बीत जाता है और 1 घंटा आधा घंटा सब नहीं लगाना नहीं पड़ता। अभी लिख लिख के रिविजन किया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। तो अभी आप भी रिवाइज करो, अभी अपना मैं भी रिवाइज करती हूँ अगर मेरे पास। हाँ, और मैं अब स्टडी विथ मी का मैं वो लगाऊंगी अब, तो आप सर अभी स्टडी कर सकते हो, जैसे टाइम लेस मूड में मैं अपनी स्टडी करूंगी और आप अपनी स्टडी करना उस तरफ से अपनी तरफ से ठीक है। अब कर लेते चलो। It's all in our hands, this life of time. सो फ्रेंड्स, अभी मैंने बहुत कुछ रिवाइज कर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया ठीक है। तो अब मैं फ्रेंड्स सोचा कि चलो आप आपको दिखाती हूँ मेरे इस पाउच में, पेंसिल पाउच में क्या क्या मैंने रखा है ठीक है। तो ये मेरा पेंसिल पाउच है, ऐसा कुछ दिख ही रहा है। तो अब इसमें मैं बताती हूँ कि क्या क्या मैंने रखा है। फर्स्ट दीज आर टू हाइलाइटर्स आई कैरी, मतलब हाइलाइटर्स मैंने दो कैरी कर रही हूँ, रखती जा रही हूँ टू हाइलाइटर्स। उसके बाद कुछ पेंस हैं जो मेरे को अच्छे लगे, जनरली मेरे को यूज़ करने में ये पेंस अच्छे लगते हैं, जैसे मैं आपको उनके नाम भी डालती हूँ। मतलब कुछ पेंस ऐसे तो मेरा फेवरेट है, मैंने वो रख रखे हैं। सो फर्स्ट इज दिस ब्लैक वुडी पेन, सेकेंड इज SRK फ्लेयर ब्लैक पेन, ये सारी 10 रुपीज़ का है, बस ये 25 रुपीज़ का है, ये राइटोमीटर है। और मेरी क्लास में बच्चों के पास बहुत बहुत सारे बच्चों के पास ही थे, और वो कहते थे कि मतलब ये तो 2-3 साल तक चलता है, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार एक खरीद ही लेते हैं। और मैंने पर्पल कलर में लिया, ये अलग अलग कलर में मिलता है, ज़्यादातर कलर में तो नहीं मिलता लेकिन कुछ कलर में मिलता है, लेकिन मैंने इतने ही लिया ठीक है। उसके बाद ये एक्सफॉन के डोम्स के पेन जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, कंफर्टेबल भी है, बाकी जितने भी पेन हैं मेरे को अच्छे लगते हैं, बस ये थोड़ा सा पेन अटक अटक चलता है लेकिन मेरे को ये अच्छा लगता है। ये हॉसर का पेन है, सोनिक्स जेल, और ये जेल है, मैंने एक जेल पेन तो मैं रखती हूँ ठीक है। और जैसे मैंने देखा दो पेन मैंने 5 रुपीज़ वाले रखे हैं, ये मेरे रोजी टोके हैं। ये पेन मैंने पूजा में चढ़ाया था, तो मैं सोचा कि चलो पूजा के चढ़ावे पेन तो रख ही लेते हैं। इन सब के अलावा ये कुछ पेंस हैं, इनके अलावा ये मेरे पास इरेजर ग्रूव इरेजर, ये डोम्स का ग्रूव इरेजर, और ये भी मेरे को ठीक ही लगा, मतलब वो इरेजर का झंझट नहीं है,
पार्ट इरेज करना उस वही पार्ट इरेज होगा, एक्स्ट्रा पार्ट इरेज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो अगर ज़्यादा तो डायग्राम ड्रॉ करने में अगर एक्स्ट्रा मैंने इरेज कर दिया तो फिर वो होगा ना, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। ठीक, इसके अलावा मेरे पास एक स्केल रखा है मैंने, एक फ्लूट, मैं सिर्फ फ्लूट का ज़्यादातर यूज़ नहीं करती वैसे। ठीक है, हाँ मैं एक पेन और दिखाना, मेरे कुछ और पेन बच गए हैं मेरे पास। ये सुप्रा का ब्लू पेन है, ये भी मेरे को अच्छा लगता है। और अभी मैं पेपर में तो बस ये चार पेन का यूज़ कर रही हूँ। दो कुछ मतलब मैंने इन दिन दो पेनों को जोड़ा बना रखा है ऐसे, एक पेपर इससे एक पेपर इससे। अभी तक मैंने दोनों पेपर, दो पेपर गए हैं मेरे, मैंने इनसे दिए हैं, अगला पेपर मैं इनसे ही दूँगी, इनसे दूँगी, क्योंकि सर कैसे भी अलग अलग ट्रैक करना चाहिए। अब इसके अंदर मेरे पाउच में और क्या क्या है, ये ब्लैक एंड ब्लू परमानेंट मार्कर, ये एक जेल पेन, ये आउटलाइनिंग डायग्राम के आउटलाइनिंग के लिए बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। बटरफ्लो का एक ब्लू बॉल पेन, नहीं ब्लैक ब्लैक पेन, एक रेड पेन और एक ग्रीन पेन, जो भी अगर कुछ ज़रूरी पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर में या फिर कुछ टिक विक लगाना होगा तो मैं इससे उसे कर सकूँ। ठीक है, और कुछ इरेजर्स मैं आपको दिखाती हूँ। आगे वाले पार्ट में मैंने कंपास रखा है कि अगर किसी पेपर में ज़रूरत पड़ गई तो, इसलिए। और ये मेरा एक इरेजर क्योंकि मैंने इसे खोला नहीं है, और एक शॉर्पनर। ठीक है, मैं छोटे शॉर्पनर का ज़्यादा यूज़ नहीं करती और बड़े शॉर्पनर को यूज़ करती हूँ, तो दो टाइप का शॉर्पनर रखे हैं मैंने। और ये कुछ, ये मेरे किट को साफ रखने के लिए, मतलब किट में ना गंदा हो गंदा से, तो ये उस लिए है। पेंसिल एंड पेंसिल, और कुछ दो पेंसिल रखी है मैंने। दिस इज माई आईडी कार्ड, मतलब फ्लीस क्लियरेंस स्लिप है, जिसके पास ये है बस उसके पेपर करने के लिए मिलता है। वैसे हमारे स्कूल में तो सारे बच्चों को पेपर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अब मैं एक एक चीज़ों को नाम लिख लेके अंदर डाल रही हूँ, कि दो हाइलाइटर्स, स्केल, फ्लूट एंड करेक्शन पेन एंड इरेजर, पेंसिल्स, रेड पेन एंड ग्रीन पेन, परमानेंट मार्कर ब्लैक एंड ब्लू, टू ब्लैक जेल पेन, थ्री ब्लैक बॉल पेन, वन टू थ्री एंड सिक्स बॉल पेन, सम इरेजर्स, थ्री इरेजर्स, टू शार्पनर्स एंड माई आईडी कार्ड एंड कंपास पास और राउंडर ऐसे जी भी आप बोलते होगे, और अपना आईडी कार्ड। मैं ये सब चीज़ें अपनी किट में रखती हूँ, आप चाहो तो आप उस में सामान अपनी तरफ से भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा जैसे कम पूरे का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स भी लेती हूँ मैं, लेकिन कुछ कुछ पेपर में ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं बस इन्हीं चीज़ों को कैरी करती हूँ। तो कम बैक टू द टॉपिक, हमारा जो था, अब मैं अपने आगे के मार्केट का टूर दे ही दिया है, तो अब मैं अपना पढ़ाई भी स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने याद किया अभी तक कुछ। दिस आई डू रिविजन, देखो जो आंसर मेरे को याद है, पहले मैंने उसको से चेक भी किया, एक बार लिखा, फिर कुछ जैसे कुछ गलती मिस्टेक हो रही थी, कितनी बार भी लिखा मेरे, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ा, मैंने जितनी बार मेरे को याद होगा तब मैं सब कुछ लिखा। इतनी पहले पहली बारी में इतनी मिस्टेक्स हुई, दूसरी बारी में इतनी, ठीक है, तीसरी बारी में थोड़ी ज़्यादा हुई, कोई बात नहीं, और इस बार इसमें भी सेम इसी कदर ही मिस्टेक्स हुई थी, इसलिए मैंने सब मुझे से किया है। ये पूरा सही गया था मेरा, मतलब पूरा सही था, पूरा पूरा आंसर सही था उसका, ये वाला पूरा आंसर भी सही ही है। ठीक है, मैंने हाईलाइट नहीं किया। और अगले पेज में हम और थोड़ा रिविजन करेंगे, रिविजन ही रिविजन करना है हमें बस, तो बस अभी मैं वही करती हूँ। लेकिन अभी मैं एक चैप्टर के ऊपर नहीं चल रहा थी,
चारों तरफ कपड़े करने से ना हमारा माइंड में हमारा जो माइंड होता है वो पूरा फट जाता है, मतलब कि यार एक चैप्टर ये सारा चैप्टर का बस याद होता है, दूसरा चैप्टर भूल जाते हैं हम। और अभी मेरा इंग्लिश का पेपर है कल परसों, दूसरा इंग्लिश स्टार्ट कर दो, लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर पाँच चैप्टर कैसे कैसे खोल जाएंगे। मैं ना कंप्यूटर का जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें ना स्किप कर देती हूँ, और वही मुझे दिक्कत है, उन्हीं को कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता इतना, ठीक है। और इसलिए मतलब कंप्यूटर ठीक ठाक लगता है, वीक लगता है मेरे को मेरे सब्जेक्ट। वैसे मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं ज़्यादातर, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं सब सब्जेक्ट से, लेकिन तभी मेरे को ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर लोगों को जो सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते होंगे वो ज़्यादा पढ़ते हैं, वो जो सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे वो ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ जो सब्जेक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता मुझे उसे पढ़ना पड़ता है, उसमें लेकिन अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब मैं आपको टाइम लैप्स कर लेती हूँ और अपने कुछ नोट्स बना लेती हूँ अपने नेक्स्ट चैप्टर के, क्योंकि मैं उससे आपको बताओ ज़्यादातर नहीं बैठने वाली, उससे आप आपको थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ कुछ आंसर्स कैसे थे क्या थे क्या थे, लिख लेती हूँ एक बार लिख के प्रैक्टिस एंड देन नेक्स्ट चैप्टर्स। Tried to fight it off, tried to hold my breath. I keep holding back, trying not to crash right into you. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. Send me to my knees. Start prophesizing that you'll wreck my life and leave me high and dry, yeah. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing. Have to be like that, and why my nights have to
दीज और थिंग्स ऑल द थिंग्स आई से यू, मैं जितनी भी आपको चीज़ें बताई वो चीज़ मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ. इग्नोर द अदर नॉइस. ओके, तो ये हर पूरी वीडियो में बस मैंने आपको ये दिखाया कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है. और ट्राई करो कि आप थोड़ा सा जल्दी सुबह उठ के करो, क्योंकि मैं सुबह मैंने दिखाया नहीं है. ओके, आज संडे था ना, तो थोड़ा लेट उठी थी, ठीक है. तो ट्राई करो कि आप थोड़ा जल्दी उठो, कि संडे के दिन मेरे को भी जल्दी उठना होता है, लेकिन आज मैं लेट उठी. और जैसे मैंने कुछ आपको टिप्स दिए, उन्हें आप फॉलो भी किया करो, ठीक है. तो बस इतना ही था हमारे वीडियो के ऊपर. ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय.